तो आज की वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ज्यादातर मूवीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जेन वी का आखिरी एपिसोड आ चुका है और ये देखना होगा कि इसका द बॉयज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। होमलैंडर अब पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया है और आने वाले सीजन में केट और सैम को होमलैंडर के साथ देखा जा सकता है। मुझे पता चला है कि गॉडज़िला की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है गॉडज़िला माइनस वन। गॉडज़िला एक युद्ध के बाद जापान पर हमला करता है जहां उनके पास बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। मार्वल ने एक नई सीरीज एको के लिए एक ट्रेलर जारी किया है। मुझे इसमें ड्रामा ज्यादा लग रहा है तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे मार्वल सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्वल की सीरीज में से मुझे सिर्फ लोकी पसंद आई है। तो ट्रेलर देखने के बाद बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का प्रोडक्शन 2024 में शुरू होगा और इसका प्रीमियर शायद 2025 में हो सकता है। सीजन 2 में एब्बी नाम का किरदार होने वाला है जो शायद हमें विलेन के रूप में देखने को मिलेगा। वैसे सीरीज तो काफी अच्छी है पर उसमें ड्रामा थोड़ा ज्यादा लगा मुझे, तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। खबर मिली है कि मेगन का सेकंड पार्ट आने वाला है। इसके मुताबिक सेकंड पार्ट में आई के खतरों की और गहराई से जांच की जाएगी। लिखा है कि मूवी एआई को लेकर लोगों में और चिंता बढ़ाएगी, तो देख के लगता है कि कुछ क्रेजी होने वाला है। फिल्म 17 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। ये खबर है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 आखिरकार गेम पास में आ जाएगा, लेकिन 2024 तक नहीं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को खरीद लिया है, लेकिन किसी कंपनी को खरीदने और उसकी गेम को सब्सक्रिप्शन में डालने में समय लगता है, तो शायद 2024 की शुरुआत में इसे गेम पास में देखा जा सकता है। ये खबर फोर्टनाइट खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी बैटल पास खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो फोर्टनाइट ओजी का अपडेट आया है वो केवल 30 दिनों के लिए है और इसका बैटल पास 50 लेवल का है, तो आपके 950 V-Bucks वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो आप फोर्टनाइट क्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको इस महीने का बैटल पास तो मिलेगा ही, बल्कि अगला बैटल पास भी फ्री मिलेगा। ऊपर से दूसरे रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही। तो खबर मिली है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 आने वाला है। अभी यहाँ पर कोई डेट तो निकल के नहीं आई है, पर ये 2024 में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।